8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ग्रुप कैप्टन जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों से हर जंग जीतने वाला अपनी जिंदगी की जंग हार गया। पूरे देश में उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, उनकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी, लेकिन कोई भी दुआ उनके काम नहीं आ सकी। उन्हें पिछले गुरुवार को तमिलनाडु के वेलिंगटन से बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरुण सिंह के पिता कर्नल केपी सिंह से बातचीत भी की थी। उनके निधन की जानकारी भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर दी है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की खबर देते हुए बेहद दुखी है। भारतीय वायुसेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। देश के इतिहास में सबसे भीषण हादसों में से एक इस चॉपर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही इसमें बच पाए थे, लेकिन उनकी भी हालत बेहद गंभीर थी। बताया जा रहा था कि उनका शरीर 85% से ज्यादा झुलस चुका था। गौरतलब है कि हाल ही में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को असाधारण साहस के प्रदर्शन के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया था।